चरखी दादरी से आ रही है, जहां पर हंगामा किया है छात्रों ने। चरखी दादरी बस स्टैंड पर छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर है चरखी दादरी से। जानकारी है कि बसों की कमी से छात्रों में गुस्सा है और यही गुस्सा उन्होंने हंगामे के रूप में दिखाया है चरखी दादरी बस स्टैंड पर। बसों की कमी है और बसों की कमी से ही छात्र परेशान हैं। इनको रोज आने जाने में दिक्कत होती है। बताएं कि बस स्टैंड का गेट बंद करते हुए हंगामा किया गया है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी प्रदीप साहू से। प्रदीप, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हैं, नारेबाजी हो रही है, हंगामा हुआ है। जानकारी है कि बसों की कमी के चलते हंगामा कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है बताइए। देखिए, चरखी दादरी क्षेत्र में बसों की कमी के कारण छात्रों को निजी वाहनों में अपने शिक्षण स्थानों में पहुंचना पड़ रहा है और आज इसी मामले को लेकर यहां पर दर्जनों छात्र एकजुट हुए और बस स्टैंड पर पहुंचकर बस स्टैंड के गेट को बंद कर दिया गया और साथ ही साथ रोडवेज अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप भी लगाए कि उनकी मनमानी के चलते उनको जो छात्र हैं उनको बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही। जिला परिषद जो मोहित साहू उसकी अगुवाई में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, साथ ही साथ यह आरोप भी लगाया कि बार बार अधिकारियों से मिलने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक सप्ताह में अगर रोडवेज विभाग द्वारा उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ तो ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ यहां पर बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगे और बस स्टैंड को सील कर बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदीप, ये समस्या गंभीर है, छात्रों की ओर से जो बात रखी गई है, ऐसे में किस तरीके से जो रोडवेज विभाग है वो इस समस्या को ले रहा है और अभी जमीनी हालातों को अगर देखें तो अभी कैसे हालात है कि अभी भी ये छात्र हंगामा कर रहे हैं? देखिए, हालांकि रोडवेज समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा, एक सप्ताह में समाधान कर फिलहाल तो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने शिक्षण स्थानों में, लेकिन जिला परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोडवेज अधिकारियों के काले चित्रों के साथ मीडिया के समक्ष पेश किया जाएगा, अगर उन्होंने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन भी होगा। चलिए, शुक्रिया आपका प्रदीप साहू इस खबर के बारे में अपडेट हमको देने के लिए। छात्रों ने साफ तौर पर कहा है और चेताया है कि अगर हमारी समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो हम हंगामा करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। दो बस स्टैंड का गेट बंद करते हुए हंगामा किया है इन तमाम छात्रों ने।